आप इनकी आवाज सुनना है, ये देखिए कितने जबरदस्त फ्राई हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जायका विद रूबी। मैं आज खास बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। फ्रेंच फ्राइज बहुत तरीकों से बनाई जाती है, लेकिन मैं इसे बहुत ही इजी वे में बना रही हूँ। बाजार में मिलने वाले फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज से ये काफी हेल्दी है, क्योंकि ये घर की बनी है और ये काफी सस्ते में भी बन जाती है। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत पड़ती है और मैंने इसे कैसे बनाया है। तो ये मैंने तीन बड़े साइज के लंबे पड़ते हुए आलू लिए हैं, इन्हें मैंने वॉश कर लिया है। और यहाँ पे मैंने दो बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, 1/4 टीस्पून नमक लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर चाट मसाला पाउडर लिया है। फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए सबसे पहले मैं इन आलुओं को पील कर लूंगी। ये देखिए मैंने सभी आलूओं को पील कर लिया है और मैंने इन्हें पील करने के बाद हाथों हाथ पानी में भी डाल दिया था, जिससे ये काले नहीं पड़े, क्योंकि आलूओं में स्टार्च होता है, ये बहुत ही जल्दी काले भी पड़ जाते हैं। इन्हें मैं रख देती हूँ एक तरफ। तो सबसे पहले इन आलूओं को मैं एक बराबर का कट कर लेती हूँ, जिससे हमारे फ्रेंच फ्राइज बिल्कुल बराबर के बने। सबसे पहले हम इन आलूओं के थोड़े थोड़े से किनारे कट कर लेंगे, जिससे ये एक बराबर के हो जाएं, फिर उनके स्लाइस कट कर लेंगे। इनके स्लाइस को कट करते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि इनकी मोटाई एक बराबर से आए। ये देखिए मैंने सेम मेथड से सारे ही आलूओं के स्लाइस कट कर लिए हैं। तो ये देखिए आप इनकी थिकनेस देखिए, हमें इनकी मोटाई बस इतनी ही रखनी है। तो अब मैं इसके स्ट्रिप कट कर लेती हूँ। आप चाहें तो इसे फ्रेंच फ्राइज कटर से भी कट कर सकते हैं, लेकिन ये हाथों से भी बहुत इजीली कट हो जाते हैं, तो इसलिए मैं इसे हाथों से ही कट करती हूँ। तो ये देखिए कितने जबरदस्त कट हो रहे हैं हमारे फ्रेंच फ्राइज, बिल्कुल एक साइज। मैंने सेम मेथड से सारे फ्राइज को कट कर लिया है और इसे मैंने एक पानी में भी डाल दिया था हाथों हाथ। तो ये देखिए ये पानी कितना स्टार्ची हो गया है। तो इसे हमें 2 से 3 पानी से बिल्कुल अच्छे से धोना है, जिससे पानी बिल्कुल साफ हो जाए और इसका सारा स्टार्च निकल जाए। फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए हमें आलूओं को स्टार्च फ्री करना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कंटेनर में पानी लिया है। इसमें मैं फ्रेंच फ्राइज को इसमें शिफ्ट करती जाऊंगी और इसे 2 से 3 पानी से बहुत अच्छे से वॉश कर लूंगी, जिससे इसका पानी बिल्कुल साफ हो जाए, इसका स्टार्च बिल्कुल खत्म हो जाए। देखिए मैंने इसे 3 से 4 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। अब देखिए पानी बिल्कुल साफ हो गया है, यानी कि इन आलूओं का स्टार्च बिल्कुल खत्म हो गया है। तो ये मैंने एक किचन टॉवल लिया है, आप कोई भी साफ कपड़ा भी ले सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले मैं इन फ्राइज को ऐसे फैलाकर इनका पानी बिल्कुल सुखा दूंगी। हमें इनके पानी को बिल्कुल ड्राई कर लेना है। तो ये देखिए अब हमारे फ्राइज बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, तो अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। मैं अब इन्हें एक साफ प्लेट में निकाल लूंगी। ये देखिए सभी फ्राइज को टॉवल से अच्छे से ड्राई करने के बाद मैंने एक प्लेट में निकाल के रख लिया है। मैं इन फ्राइज को 2 बार में फ्राई करूंगी, यानी कि आधी एक बार और आधी दूसरी बार में। और इसे फ्राई करने के लिए मैंने ये एक बर्तन में 1/2 लीटर तक तेल डाल के इसे गैस पे रख दिया है गर्म होने के लिए। ऑयल को हमें बहुत ही अच्छे से गर्म कर लेना है, लेकिन जब हम फ्राइज को डालेंगे तो हमें ऑयल को मीडियम हॉट ही रखना है और इसे हमें मीडियम ऑयल में ही फ्राई करना है। ये देखिए ऑयल अब हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर आधी फ्राइज ऑयल में डाल दी है और आधी मैंने बचा ली है दूसरी बार फ्राई करने के लिए। मैं अब इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ और मीडियम फ्लेम पे मैं इसे 50% ही सिर्फ फ्राई करूंगी। इसे मैं 4 से 5 मिनट ऐसे ही फ्राई कर लूंगी। हमें इसे लगातार स्टिर करते रहना है, जिससे ये चारों तरफ से ही बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए। फ्राइज को मीडियम फ्लेम पे फ्राई होते हुए 4 मिनट हो चुके हैं। तो अब ये देखिए ये 50% तक फ्राई भी हो चुके हैं, इनके ऊपर एक अच्छी सी लेयर भी आ गई है। तो अब मैं इसे एक अलग प्लेट पे निकालूंगी और सेम मेथड से मैं बाकी के बचे हुए फ्राइज भी फ्राई कर लूंगी। ये देखिए मैंने सभी फ्राइज को 50% तक सेम मेथड से फ्राई कर लिया है। देखिए ये अब नॉर्मल टेम्परेचर पर आ चुकी है, तो इसे मैं कंटेनर में शिफ्ट कर दूंगी। देखिए मैंने फ्राइज को कंटेनर में शिफ्ट कर दिया है। इसमें मैंने जो कॉर्नफ्लोर लिया था उसे मैं यहाँ पर स्प्रिंकल कर दूंगी और इसे बहुत अच्छे से मिक्सअप कर लूंगी। कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड करने से ये बहुत ही अच्छी बनती है और इंस्टेंट बन जाती है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि कॉर्नफ्लोर हमें इसे ठंडा करने के बाद ही मिलाना है। तो ये देखिए कॉर्नफ्लोर इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। तो मैं अब इसमें लेट लगाकर इसे फ्रीजर में रख दूंगी 1/2 घंटे के लिए, फिर उसके बाद इसे हम दोबारा से फ्राई करेंगे। तो ये देखिए इन्हें फ्रीजर में रखे हुए 1/2 घंटा हो गया है, अब ये बहुत अच्छे से ठंडी भी हो चुकी है।
मैं अब इसे दोबारा से फ्राई करूंगी। दोबारा से फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर वही ऑयल लिया है जिसमें मैंने फ्रेंच फ्राइज को 50% तक फ्राई कर लिया था। इस स्टेज पर हमें ये ध्यान रखना है कि सेकेंड टाइम पर फ्रेंच फ्राइज को हाई फ्लेम पर फ्राई करना है और ऑयल को बहुत ही ज़्यादा हॉट होना चाहिए। मैं इसे 2 से 3 मिनट लगातार स्टिर करते हुए फ्राई कर लूँगी जिससे ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए और काफ़ी क्रिस्पी भी हो जाए। ये देखिए, लगातार स्टिर करते रहने से अब ये सुनहरे भी होने लगे हैं क्योंकि ये फर्स्ट टाइम फ्राई होने पर अंदर से टेंडर तो हो ही चुके थे, बस इस बार हमें इन्हें थोड़ा सा ऊपर से कुरकुरा ही बनाना है, क्रिस्पी ही करना है। ये देखिए, मैंने इसे तकरीबन 3 मिनट हाई फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लिया है और ये देखिए ये गोल्डन भी हो गई है। अब हमारी फ्रेंच फ्राई बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं तो अब मैं इन्हें निकालूंगी। फ्रेंच फ्राइज को निकालते टाइम मैं यहाँ पे आपको एक टिप देना चाहूंगी कि इसे आप मेरे इस तरीके से निकालें। इस तरीके से निकालने से ये काफी कुरकुरी बनी रहती है, सॉफ्ट नहीं होती है। और ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक प्लेट ली है, आप इनकी आवाज सुन रहे हैं, ये देखिए कितने जबरदस्त फ्राई हुए हैं। अब मैं इसमें सबसे पहले तो नमक ऐड करूंगी और उसके बाद मैंने जो चाट मसाला लिया था उसे भी यहाँ पर ऐड कर दूंगी। आप इसमें चाट मसाला के अलावा पेरी पेरी मसाला भी ऐड कर सकते हैं जैसा टेस्ट आपको पसंद हो। ये देखिए, मैंने इसे एक सर्विंग प्लेट पे निकाल लिया है। अब हमारी फ्रेंच फ्राइज बिल्कुल रेडी है। आप इसे अपनी पसंद के किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने इसे टोमेटो सॉस के साथ सर्व किया है। तो देखा आपने फ्रेंच फ्राइज को घर में बनाना कितना इजी है। अगर आपको मेरी ये इंस्टेंट फ्रेंच फ्राइज बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।